नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 10 सबसे महंगे 1 रुपए के नोटों के बारे में, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी करते हैं कि मोस्ट रेयर 1 रुपए के नोटों के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इन नोटों के लिए, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं। इनमें से कुछ नोट रिपब्लिक इंडिया के हैं तो इनमें कुछ नोट ब्रिटिश इंडिया के भी हैं। तो हो सकता है कि आपके पास में भी कोई लाखों रुपए की कीमत रखने वाला नोट पड़ा हो और आपको उसकी जानकारी भी शायद ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और 100% जेन्युइन नोट्स या फिर कॉइन्स खरीदने के लिए coinbazaar.com पर विजिट कीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कॉमेंट्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है ये 1964 में बना 1 रुपीज नोट। इस नोट पर एस भूतलिंगम जी के सिग्नेचर होते हैं और इस नोट की बैक साइड पर 13 भाषाओं में 1 रुपया लिखा होता है। 1964 के इस एक नोट के प्राइसेस यूएनसी कंडीशन में लगभग 25,000 रुपए तक जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वैल्यूएबल रिपब्लिक इंडिया के नोटों के बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, पर उससे पहले हम ब्रिटिश इंडिया के कुछ बेशकीमती 1 रुपए के नोटों को देख लेते हैं, जिसमें नंबर 2 पर है जॉर्ज फिफ्थ का पहला 1 रुपए का नोट। और दोस्तों, ये 1 रुपए का भारत का सबसे पहला नोट है। इसे 1917 में जारी किया गया था और इसे 3 अलग अलग गवर्नर्स के सिग्नेचर के साथ इशू भी किया गया था, जिसमें MMS गुबे, AC मैक वाटर्स और H डेनिंग के सिग्नेचर्स वाले नोट आते हैं। और इन तीनों ही सिग्नेचर वाले नोटों के प्राइस लगभग सेम ही होते हैं, जिनकी कीमत 50,000 रुपए से 80,000 रुपए तक होती है यूएनसी कंडीशन में। दोस्तों, आज के टाइम में नोटों की गड्डी या फिर बंडल चलते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के जमाने में नोटों की ऐसी बुकलेट्स आती थी और ये नोट 25 नोटों की ऐसी रेड बुकलेट में आते थे। वैसे तो ये नोट 1940 में बनाया गया, लेकिन इस नोट पर 1935 का ऐसा कॉइन बना होता है और फ्रंट साइड में किंग जॉर्ज फिफ्थ की पोर्ट्रेट बनी होती है और ये नोट केवल JW कैली के सिग्नेचर के साथ ही आता है और इस नोट की कीमत होती है अप्रोक्स 20,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच यूएनसी कंडीशन में। और इन नोटों में भी 25 नोटों की ऐसी ग्रे ग्रीन बुकलेट आती है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपके पास भी इनमें से कोई 1 रुपए का नोट है तो जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉइन्स या फिर नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो coinbazaar.com पर विजिट करें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए CBYT कूपन कोड को यूज करें। और अब बात करेंगे हम 1940 के इस 1 रुपए के नोट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, जो कि हमें कभी ना कभी घर में पड़ा मिल ही जाता है और कोई हमसे इसे ऐसे वैसे प्राइस में मांगता है तो हमें इसकी सही कीमत पता होनी ही चाहिए। जॉर्ज सिक्स के शासन में बना 1940 का 1 रुपए का ये नोट, वैसे तो ये नोट 1944 में इशू हुआ था, पर इसमें 1940 का कॉइन बैक साइड पर छपा होता है और फ्रंट साइड में जॉर्ज सिक्स की पोर्ट्रेट बनी होती है और नीचे में CE जॉन्स के सिग्नेचर होते हैं। इन्हीं नोट्स में कुछ ऐसे नोट्स भी आते हैं जिनकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा होती है, पर उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जो नोट कॉमनली मिलते हैं उनके प्राइस अप्रोक्स 3,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच होते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को और भी ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे नोट जो कि आपके पास आसानी से मिल सकते हैं। 1951 में बना अगर ऐसा नोट आपको मिल जाता है जिसके ऊपर साइन किए हो KG अंबेगावकर ने और उसका कलर कुछ ऐसा ग्रे ग्रीन हो तो उसकी कीमत 1500 रुपए तक हो सकती है। और अगर इसी सेम नोट का कलर कुछ ऐसा वायलेट कलर का है और उस पर KG अंबेगावकर के ही सिग्नेचर हैं तो वो नोट भी 1000 रुपए से ज्यादा की कीमत रखता है। 6. अगला नोट भी 1951 का ही है, लेकिन इस पर सिग्नेचर है HM पटेल के और इसमें दो टाइप्स के नोट्स आए थे। एक था वो नोट जो बना था इन प्रीफिक्स से, और ये प्रीफिक्स आपको नोट के इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं और इन प्रीफिक्स वाले नोटों की कीमत 1000 रुपए तक चल रही है। वहीं दूसरा नोट आया था इन प्रीफिक्स से और इनकी कीमत 1200 रुपए तक चल रही है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें क्योंकि आगे एक ऐसा नोट भी है जो कि 10,000 रुपए तक की कीमत रखता है और आपके पास हो भी सकता है। और ऐसे ही सारे वैल्यूएबल नोट्स आपको coinbazaar.com पर भी मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट्स में दिए हुए लिंक को। 7. अगला नोट है 1949 में बना आजाद भारत का सबसे पहला नोट, जिसे साइन किया था KRK मेनन ने और ये नोट ग्रे ग्रीन कलर का होता है और कुछ इस तरह का दिखता है और इस नोट की कीमत यूएनसी कंडीशन में 10,000 रुपए से भी ज्यादा होती है।
अगला नोट है 1950 में बना ये नोट, जिसके ऊपर साइन होते हैं केजी अंबेगांवकर के, और इस नोट का डिजाइन एकदम सेम होता है पहले नोट से, बस साइन का डिफरेंस होता है, और ये नोट 2000 रुपए तक में मिल जाता है। 1 रुपए का ये नोट 1957 में इश्यू हुआ था, इस पर साइन होते हैं H.M. पटेल के, और इसमें देखने हैं आपको ये प्रीफिक्स। नोट के इस सेक्शन में अगर आपको ये प्रीफिक्स मिल जाते हैं तो इस नोट की कीमत 1500 रुपए तक हो सकती है, पर अगर आपके नोट में ये प्रीफिक्स हैं और साइन H.M. पटेल के ही हैं तो उसकी कीमत 800 रुपए तक हो सकती है। दोस्तों ये है 1957 में ही बना LK झा का बहुत ही ज्यादा रेयर नोट, जिसकी कीमत 5000 रुपए तक होती है, पर दोस्तों आपको इसमें सिर्फ वाई प्रीफिक्स का नोट ही ढूंढना है, और साथ ही उस नोट का इनसेट B होना चाहिए, और ये इनसेट अगर C या D है तो वो नोट केवल 300 रुपए तक की ही कीमत रखता है, तो आपको वाई प्रीफिक्स वाला B इनसेट का नोट ढूंढना है, और आपको 5000 रुपए तक की कीमत उसकी मिल सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और केवल आप जैसे लॉयल ऑडियंस के लिए ही हम लाए हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट उनकी सभी परचेजेस पे, तो विजिट कीजिए coinbazaar.com को और यूज कीजिए कूपन कोड CBYT। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस 786 वाली नोटों की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने सारे 786 वाले नोटों के प्राइसेस बताए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय।